मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि संविधान के नाम पर शुद्ध शब्दों का ये सप्तक जैसे ही गूंजा, लोकतंत्र की गरिमा गर्व की अनुभूति करने लगी। सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। शुभ मुहूर्त पर 77 बरस का हिंदुस्तानी लोकतंत्र नया अध्याय लिख रहा था। अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। भारतीय राजनीति के नए राष्ट्र ऋषि संविधान की रक्षा की शपथ ले रहे थे और दसों दिशाएं अपलक निहार रही थी इस अकल्पनीय पल को। अद्भुत नजारा था राष्ट्रपति भवन का। उमस भरी शाम ठहरी हुई हवा थी, ठहरा हुआ था आसमान, चांद तारे सब ठहरे हुए थे, एक टक देख रहे थे हिंदुस्तान के उस नेता को जो लोकतंत्र के सबसे विश्वसनीय पुस्तक की प्रस्तावना को साकार करने के लिए खड़ा था। गौर से देख रही थी दुनिया उस नरेंद्र मोदी को जो सारे मिथक तोड़कर हिंदुस्तान को नई ऊंचाई देने की शपथ ले रहे थे। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। सियासी महाभारत में विरोधियों को परास्त कर वक्त की दीवार पर महाविजय की वीर गाथा लिखने वाले नरेंद्र मोदी जब रायसीना हिल्स की देहरी पर खड़े होकर नई लकीर खींच रहे थे, तब ये लोग जानना चाह रहे थे कि मोदी की तीसरी कसम 140 करोड़ की आबादी के लिए कितना अहम होगी। अगले 5 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कौन कौन से बड़े फैसले करने वाले हैं। हैट्रिक लगाने वाली मोदी सरकार का तीसरा कार्यकाल भी ऐतिहासिक होगा। ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि जीत के बाद जब पहली बार गठबंधन के साथियों को संबोधित कर रहे थे, तभी उन्होंने स्पष्ट शब्दों में देश को बता दिया था, मैं अपनी पॉलिसी और परफॉर्मेंस और सामान्य मानवीय का जीवन बेहतर करना है, उसमें जरा भी विलंब नहीं करना है। अगले 5 सालों को लेकर अपना चट्टानी इरादा जता चुके प्रधानमंत्री मोदी जब शपथ लेने से पहले अपने नए मंत्रियों की टोली के साथ बैठे थे, तब साफ और सरल शब्दों में 100 दिन का एजेंडा बता दिया। वो जब चाय पर चर्चा करने के लिए बैठे थे 7 लोक कल्याण मार्ग पर, उसी वक्त बता दिया कि शपथ लेते ही पूरी शक्ति के साथ संकल्प की सिद्धि में जुट जाना। नरेंद्र मोदी ने अपनी टोली के सामने सबसे पहले कहा कि 100 दिन की कार्य योजना को जमीन पर उतारना है, जो पेंडिंग काम है आप जब मंत्रालय में जाएंगे तो सबसे पहले उसे पूरा करेंगे। एनडीए पर जनता ने जो भरोसा जताया है उसको और मजबूत करना है, साथ ही साथ 2047 तक विकसित भारत के जो संकल्प को हमने लिया है उसको सिद्धि तक पहुंचाना है। साथ ही साथ उन्होंने सभी मंत्रियों को ये भी सचेत किया कि भ्रष्टाचार मुक्त शासन एनडीए की पहचान है, जिसे बनाए रखना आप सबकी जिम्मेदारी भी है। शपथ लेने से पहले ही प्रधानमंत्री ने बता दिया कि पल पल कितना अहम है। विकसित राष्ट्र बनाना है, उनका विजन 2047 का विजन है, इसलिए विकसित राष्ट्र। सबसे पहले जान लीजिए कि अगले 5 वर्षों में मोदी सरकार के मुख्य एजेंडे के इर्द गिर्द क्या क्या है। हिंदुस्तान की इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन तक पहुंचाना है, भारत को दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाना है, विकसित भारत की प्रतिज्ञा को पूर्णता देनी है, एक देश एक कानून को मूर्त रूप दिया जा सकता है, एक देश एक इलेक्शन पर आगे बढ़ना है, गुड गवर्नेंस पर फोकस करेंगे, महिलाओं के उत्थान पर खास ध्यान रखा जाएगा, पड़ोसी देशों से संबंध को और मजबूत करना है और इस सब के बीच सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता दिलानी। इसी एजेंडे पर आगे बढ़ने को लेकर प्रतिबद्ध प्रधानमंत्री मोदी
जब गठबंधन के साथियों के सामने बोल रहे थे तब उन्होंने अपनी प्रतिबद्धता कुछ यूं दोहराई। साथियों, एनडीए का ये कार्यकाल बड़े फैसलों का है, तेज विकास का है और अब हम समय गंवाना नहीं चाहते कि हम 5 नंबर की इकोनॉमी से 3 नंबर की इकोनॉमी पर पहुंच रहे हैं। बेहिसाब आत्मविश्वास है, संदेश बहुत साफ है। पहली बार गठबंधन के साथियों के साथ आगे बढ़ रहे प्रधानमंत्री मोदी का पहला लक्ष्य हिंदुस्तान के आर्थिक मान को आसमान में स्थापित करना है। भारत की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन पहुंचाकर दुनिया में तीसरे पायदान पर खड़ा करना है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने से क्या होगा, तो जान लीजिए कि भारत पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का हब होगा। हर साल 1 करोड़ लोगों को नई नौकरी मिल सकती है। हर साल 1.5 करोड़ भारतीय गरीबी रेखा से बाहर निकलेंगे। भारत में प्रति व्यक्ति आय करीब $5,000 यानी 3,98,000 रुपए हो जाएगी। यही वजह है कि चुनाव प्रचार के दौरान भी प्रधानमंत्री बार बार 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की गारंटी दे रहे थे। चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री एक शब्द का जिक्र बार बार किया करते थे, वो है विकसित भारत। ये प्रधानमंत्री का टारगेट है 2047 का। जब देश आजादी के 100 साल पूरे कर रहा होगा, उस समय हमारा देश विकसित देशों की कतार में खड़ा हो, ये लक्ष्य है प्रधानमंत्री का। अपने नए सांसद साथियों के सामने भी प्रधानमंत्री मोदी इसी का जिक्र कर रहे थे। हम विकास का नया अध्याय लिखेंगे, गुड गवर्नेंस का नया अध्याय लिखेंगे, जनता जनार्दन की भागीदारी का नया अध्याय लिखेंगे और सब मिलकर के विकसित भारत के सपने को साकार करके रहेंगे। चुनाव से ठीक पहले जब दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था, तब उसमें विकसित भारत को लेकर भी प्रस्ताव पारित हुआ था। सवाल है कि भारत अगर विकसित देश बन जाएगा तो लोगों की जिंदगी पर इसका क्या असर पड़ेगा। तो जान लीजिए कि हर परिवार को पक्का घर मिल जाएगा, हर घर में 24 घंटे बिजली रहेगी, हर किसी को साफ पानी मिलेगा, किसानों की आय दोगुनी हो सकती है, शिक्षा और स्वास्थ्य बेहतर होगा, बुलेट ट्रेन चलेगी और सामाजिक प्रगति और सुशासन होगा। यही वजह है कि मोदी सरकार के नए अवतार में भी विकसित भारत की प्रतिबद्धता दोहराई जा रही है। मोदी जी की ये सरकार तीसरी बार की सरकार है, तीसरी टर्म की सरकार है, तो पहले 2 बार की सरकार का एक रोड मैप ऑलरेडी से पहले से ही ले डाउन किया हुआ है, उसको ही हमें फॉलो करना है। और मोदी जी का विजन और मोदी जी का मिशन जो है उसको ही आगे बढ़ना है। मोदी जी जैसे मार्गदर्शन करेंगे। अगले 5 सालों में मोदी सरकार गुड गवर्नेंस पर फोकस करेगी। बताया जा रहा है कि महिलाओं के उत्थान के लिए खास ध्यान रखा जाएगा, दक्षिण के विकास पर विशेष जोर दिया जाएगा। इसके अलावा जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए भी विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसके अलावा UCC और वन नेशन वन इलेक्शन पर भी खासा ध्यान रखा जाएगा। नए मंत्रिमंडल के जरिए प्रधानमंत्री ने संकेतों में बता दिया कि उनके इरादे अटल हैं। सहयोगियों की बदौलत सत्ता मिलने के बावजूद उनका विजन क्लियर है। यही क्लियर विजन उनके 8,000 मेहमानों की लिस्ट में दिखा। रायसेना हिल्स की देहरी जब मेहमानों से भरी हुई थी तो इसमें देश के कोने कोने से आए आगंतुकों के बीच विदेशों से आए विशिष्ट जन बैठे हुए थे। इसमें 7 देशों के मेहमान पहुंचे थे, जिनमें बांग्लादेश की PM शेख हसीना, सेशेल्स के उपराष्ट्रपति अहमद अफी, श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रम सिंघे, मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मुइजू, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड और भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे शामिल थे। पड़ोसी देशों को शपथ ग्रहण समारोह में बुलाकर बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई है।
हालांकि पाकिस्तान को लगातार दूसरी बार शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित किया गया है, जाहिर है इसके पीछे संदेश बड़े। प्रधानमंत्री का एक लक्ष्य सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता हासिल करना भी है। अपने तीसरे कार्यकाल में वो इसी दिशा में पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का जिस तरीके से तमाम देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों ने स्वागत किया है, इससे संकेत साफ है। जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे कार्यकाल का रास्ता तैयार हुआ, वैसे ही दुनिया भर के तमाम देशों से न सिर्फ शुभकामनाएं आने लगी बल्कि दोस्ती के विस्तार की पटकथा लिखी जाने लगी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने लंबी चौड़ी चिट्ठी लिखकर नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नरेंद्र मोदी को बधाई दी। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने मोदी के तीसरे कार्यकाल का स्वागत किया और चीन ने भी बधाई संदेश भिजवाया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पांचों स्थायी सदस्यों ने मोदी के कार्यकाल के विस्तार पर बधाई दी। हालांकि ये सिर्फ पांच देश नहीं हैं जो नरेंद्र मोदी के सत्ता में वापसी से उत्साहित हैं, बल्कि छोटे बड़े तमाम देशों की उम्मीदों ने नया आकार दिया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हो या इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी हो, मलेशिया, बांग्लादेश, स्पेन, सिंगापुर, ताइवान, नॉर्वे, मॉरिशस, ओमान, दक्षिण कोरिया सरीके 50 राष्ट्रों के प्रमुख मोदी की वापसी से उत्साहित हैं। पिछले 10 वर्ष में भारत ने जिन कामों को बढ़ लिया है, आज भारत की छवि विश्व बंधु की बन चुकी है। दोस्तों, विश्व हमें एक बंधु के रूप में स्वीकार कर रहा है और जब दुनिया हमें विश्व बंधु के रूप में स्वीकारती है तो हमारी वैश्विक जिम्मेवारियों को भी हमने हमारे आने वाले रोड मैप में महत्व देना ही होगा। इतना ही नहीं, एलन मस्क सरीखे कारोबारी ने नरेंद्र मोदी की वापसी के बाद भारत में कारोबार को लेकर जो उम्मीदें दिखाई हैं, उसके संकेत बेहद सकारात्मक है। भारत में निवेश की संभावनाएं बहुत बढ़ने वाली है। मैं राज्यों से भी कहूंगा कि आप प्रगतिशील नीतियां बनाकर रेडी रहिए। विश्व आज आपके आंगन पे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। यही वजह है कि चट्टानी आत्मविश्वास से भरे प्रधानमंत्री मोदी और उनके तमाम मंत्री तीसरी कसम पूरी करने के बाद अपने अनिल चंद्र शाह लग चुके हैं। नितिन जयराम गडकरी, मैं ब्यूरो रिपोर्ट टाइम्स नाउ नवभारत, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि